अच्छा जी, अब ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन है ग्लोबल वार्मिंग में यूनाइट ह्यूमैनिटी, ठीक। आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो एक कोटेशन से शुरू हो और कोटेशन रेलिवेंट हो, ठीक है। अगर लेट सपोज आपको लगता है कि मेरे पास, मेरे माइंड में इस टाइम रेलिवेंट कोटेशन नहीं है कि जिससे मैं अपना इंट्रोडक्शन शुरू करूँ, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कहीं भी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कोटेशन ले आए। फिर ये जरूरी नहीं कि जी आपने शुरू कोटेशन से ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए जी, कोटेशन से शुरू किया गया, मैंने ये थोड़े बहुत कमेंट्स भी लिख दिए हैं ताकि साथ साथ जो है एस्पिरेंट्स को पता भी चलता रहे। कोटेशन के बाद बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि जी कोटेशन आ गए और फिर अचानक से आपने एक एब्रप्ट स्टार्ट ले लिया। जो आपका स्टार्ट है वो कोटेशन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा, राइट। वो इट मस्ट बी रिलेटेड टू द कोटेशन। तो कोटेशन है जी बराक ओबामा की, कि ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट सम फार ऑफ प्रॉब्लम, इट इज हैपनिंग हियर, इट इज हैपनिंग नाउ, ठीक। अब देखिए कि ये जो फर्स्ट लाइन है ऑफ द इंट्रोडक्शन, हाउ इट रिलेट्स टू द कोटेशन। द फर्स्ट लाइन सेज ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट अ फार फेच्ड कॉन्सेप्ट एनी मोर लाइक इट वॉज बिलीव्ड टू बी अ फ्यू ईयर्स अगो, राइट। तो ये देखें, कोटेशन भी यही बात कर रही है कि ये कोई फार ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी हो रही है, इसको बड़ा जरूरी है कि टैकल किया जाए अभी, और यही आपका फर्स्ट सेंटेंस भी उसी से रिलेट कर रहा है, ठीक। अच्छा, अब आप उसके बाद थोड़ी बहुत जो है स्टैट्स डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फिर ये 97% का स्टैट डाला कि देयर इज अ कंसेंसस अमंग 97% ऑफ द वर्ल्ड लीडरशिप दैट द थ्रेट इज रियल एंड इट इज अप्रोचिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग अ ग्लोबल प्रॉब्लम इज एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर उसके बाद जो है बाकी इस तरह से आप इंट्रोडक्शन या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल अक्सर मुझसे एस्पिरेंट्स करते हैं, वो ये करते हैं कि जी हम थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखें, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे हो, क्या वो हमें शुरू में उसको लिखना चाहिए, दरमियान में, एंड पे, किस तरह से, ठीक है। और इसके बारे में मैंने बड़े आई वुड से डिफरेंट व्यूज भी सुने हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक तो थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इंट्रोडक्शन में रखना है, दूसरा आपने वो इंट्रोडक्शन के एंड पे रखना है, ठीक है। वो आप शुरू में नहीं रखेंगे, वो आप मिडल में नहीं रखेंगे, वो आप टूवर्ड्स द एंड रखेंगे। अच्छा, तीसरी चीज ये कि जी आपकी थीसिस स्टेटमेंट मस्ट बी सटल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट कोई स्वीपिंग क्लेम जो है वो दे रही है, ठीक है। यू शुड अवॉइड मेकिंग स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, योर थीसिस स्टेटमेंट मस्ट बी वेरी सटल। वो क्यों होगी जी? वो इसलिए होगी क्योंकि आपने बोथ द साइड्स डिस्कस करनी है, राइट। इफ यू वॉन्ट टू शो बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर देन यू कैन नॉट से कि जी ऐसा है तो ऐसा ही है, ठीक है। अगर मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट में ये कह दूं कि ह्यूमैनिटी यूनाइट हो रही है टू टैकल ग्लोबल वार्मिंग, तो देखें जी एग्जामिनर के लिए फिर वो क्यों पढ़ेगा मेरा बाकी का एसे। तो आपने ना थोड़ा सा सटल रहना है। अब देखिए जी, मैंने यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट जो बनाई है वो ये है, विद मेजर अग्रीमेंट्स बींग साइंड ऑन एंड इंक्रीज कोलेबोरेशन बींग डन अमंग डिफरेंट कंट्रीज द ह्यूमैनिटी इज सर्टनली कमिंग क्लोज, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि जी ह्यूमैनिटी यूनाइट हो रही है, मैंने कहा इट्स सर्टनली कमिंग क्लोज, सर्टनली इज अ क्वालिफाइंग वर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि मैं आगे क्या कहती हूँ। मैं कहती हूँ कि जी इन ऑर्डर टू असेस इफ ग्लोबल वार्मिंग हैज द पोटेंशियल ऑफ यूनाइटिंग द वर्ल्ड we need to have a deeper look at the prevailing circumstances in the world, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक सटल थीसिस स्टेटमेंट दी जो कि ये बता रही है कि जो बिल्कुल ह्यूमैनिटी जरूर जो है इट्स कमिंग क्लोज, बट इट विल बी प्री मेच्योर टू से कि वो कर सकती है ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमैनिटी को यूनाइट या नहीं कर सकती। तो वो मैंने कहा है कि जी अभी हमने जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेज हैं उनको देखना होगा और उसके बाद जो है फिर हम बताएंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा कि क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं वो शायद ओपिनियन का की हेडिंग इंक्लूड नहीं करते, शायद ही वो एक्चुअली में नहीं करते, ठीक है। अब चूंकि वो ओपिनियन वाली हेडिंग नहीं इंक्लूड करते तो दे फील दिस नीड कि यू नो दे नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट देयर स्टैंड इन द इंट्रोडक्शन। तो मेरी आप लोगों को टिप ये रहेगी कि देखिए जी जो एग्जामिनर है वो ये देखना चाहता है
कि आपकी राइटिंग कितनी मैच्योर है, ठीक है. वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नंबर वन विदाउट एनी स्टैट्स, विदाउट एनी मतलब के फिगर्स आप स्टेटमेंट्स वहाँ पे दें. आपने सब्सटेंशिएट करना है चीज़ों को. दूसरा ये कि आप स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दें, ठीक. अब चूंकि मैंने यहाँ पे सटल रखा अपने थीसिस स्टेटमेंट को, चूंकि मैंने यहाँ कहा कि हमें एक डीपर लुक की ज़रूरत है बिफोर वी कम टू अ कंक्लूजन, तो अब मैं जो एक्सपोजिटरी पार्ट ऑफ द एसे है उसको डिस्कस करूंगी, मैं दोनों साइड्स को डिस्कस करूंगी, एंड देन आई विल हैव माई ओपिनियन. ये जैसे कि आप देख सकते हैं पुराने उसमें जो मैंने आपको आउटलाइन दिखाई थी उसमें फिर एक ओपिनियन की भी हेडिंग थी, ठीक है. वहाँ पे यू कैन स्टेट योर ओपिनियन वेरी क्लियरली. वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जी ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल यूनाइट कर सकती है, या इफ यू आर ऑफ द ओपिनियन दैट यू नो इट कैन नॉट यूनाइट द ह्यूमैनिटी, तो फिर आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जी बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन अबव इट कैन बी सेड कि जी वो नहीं कर सकती यूनाइट, ठीक है. अच्छा, उसमें भी आपने एक दो चीज़ें मद्देनजर रखनी है. उसमें भी आपने कोशिश ये करनी है कि आप बहुत पेसिमिस्टिक ना हों, ठीक है. अगर लेट्स सपोज कोई ऐसा टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग मे नॉट बी द राइट टॉपिक हियर, वो पॉइंट को इलैबोरेट करने के लिए तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. अगर लेट्स सपोज आप डिस्कस कर रहे हैं करप्शन रिलेटेड कोई टॉपिक, ठीक है. अब आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं इरेडिकेशन ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान में, के टॉपिक है जी इरेडिकेशन ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान सीम्स टू बी अ मिथ. अब आप ओपिनियन दे रहे हैं कि जी बिल्कुल ये तो एक मिथ ही लग रही है आफ्टर डिस्कसिंग बोथ द साइड्स. तो आपने थोड़ा सा माइंड में ये रखना है कि आप जो है एक बैलेंस्ड किस्म का ओपिनियन दें, आप थोड़ा सा जो है ऑप्टिमिस्टिक किस्म का ओपिनियन दें. तो इन दैट पर्टिकुलर एसे आप ये मेंशन कर सकते हैं कि जी इरेडिकेशन ऑफ करप्शन सीम्स टू बी अ मिथ, दो यू नो पाकिस्तान और द गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग मेनी एफर्ट्स या मेनी इनिशिएटिव्स के जिससे अब जो है अवेयरनेस भी हो रही है लोगों में, अब आपकी जुडिशरी भी एक्टिव हो गई है. तो आपने थोड़ा सा वहाँ पे पॉजिटिव रहना है, ठीक है. आपने ये नहीं कहना कि जी बिल्कुल ना इरेडिकेट हुई है करप्शन ना कभी होगी, ये नहीं कहना, ठीक. इसी तरह से जब आप कंक्लूजन भी करेंगे किसी भी ऐसे की कंक्लूजन हो, वो भी आपने हमेशा ट्राई टू एंड इट ऑन अ ब्राइटर नोट, ट्राई टू एंड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट. इफ इट इज़ अबाउट करप्शन या इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, तो आपके कंक्लूजन में ये आना चाहिए कि जी पूरा एक तो आप एसे को समराइज करेंगे इन योर कंक्लूजन, और फिर आप एंड इस तरह इस नोट पे करेंगे कि जी अगर ये जो मैंने रिकमेंडेशन दी हैं या वे फॉरवर्ड दिया है, अगर इन पे हुकूमत अमल करे, अगर इन पे सिविल सोसाइटी आपकी जो है सिविक सोसाइटी अमल करे, तो बिल्कुल जी ये पॉसिबल है कि आपकी करप्शन इरेडिकेट हो सकती है. इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग में यूनाइटेड ह्यूमैनिटी, तो इसमें भी बिल्कुल आप यही करेंगे कि जो आपकी कंक्लूजन है उसमें आप ये कह सकते हैं कि जी बेशक ग्लोबल वार्मिंग एक अलार्मिंग थ्रेट है, लेकिन विद इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसको बड़े आराम से आपकी ह्यूमैनिटी यूनाइट हो सकती है और बड़े आराम से आपकी ह्यूमैनिटी टैकल कर सकती है इस थ्रेट को. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कंक्लूजन इंट्रोडक्शन और एसे के जो है परस्पेक्टिव से.